नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 12 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे इस हफ्ते आपका कर्म क्षेत्र, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली है, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को यानी राशि फल को आरंभ करें उससे पहले तो हम आपको बता दें इस पूरे हफ्ते की समयावधि में किन किन मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और क्या परिणाम आपके ऊपर ग्रहों का बना हुआ है। राहु देव आपकी राशि के द्वादश घर में, केतु देव आपकी राशि के सिक्स हाउस यानी छठवें घर में विराजित रहेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में आपके इलेवंथ हाउस में गोचर करने वाले हैं। बुध और शुक्र की मौजूदगी इस समयावधि में आपके पंचम घर में बनी हुई रहने वाली है, यानी आपके त्रिकोण भाव में रहेंगे। और 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सूर्यदेव जो है वो कर्क राशि आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे और 15 को ये परिवर्तित होने वाले हैं, अपनी स्वयं की राशि सिंह में जाएंगे, तो आपकी राशि के पंचम घर में सूर्य का गोचर होगा, तो यहां ये 19 तारीख तक रहने वाले हैं। देव गुरु और मंगल की उपस्थिति आपकी राशि के सेकंड हाउस यानी आपके धन स्थान पर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या परिणाम आपके जीवन में इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाए करियर के मामले में समय कैसा रहने वाला है। करियर के मामले में इस पूरे हफ्ते की समयावधि आपके जीवन में अनुकूल परिणाम देने वाली है। वर्क प्लेस पर नए नए आइडियाज को इन्वॉल्व करने वाले हैं। इस समयावधि में नौकरी पेशा जातक अपने जीवन में इस पूर्ण मेहनत के साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं और आपकी मेहनत का संतोषजनक परिणाम आपको मिलने वाला है। कारोबारी जातकों के लिए भी सप्तम भाव के स्वामी की अवस्था और कर्मेश की अवस्था बेहतर है, तो जहां इस समयावधि में व्यापारिक नवीनीकरण होने वाला है वहीं व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बनाई गई रणनीतियां आपके जीवन में फलीभूत हो सकती है। केवल एक खास बात का मेष राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना होगा, वर्क प्लेस पर बनी हुई योजनाओं को किसी व्यक्तियों के साथ यदि आप डिस्कस करते हैं तो आपको समस्या ज्यादा मिल सकती है, इसलिए योजनाओं को जब तक फलीभूत ना हो जाए तब तक आपको किसी व्यक्ति से साझा करने से या डिस्कस करने से बचना चाहिए। और मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, देखिए 15 तारीख को सूर्य स्वयं की राशि सिंह में जाएंगे तो 15 से लेकर 19 तारीख के बीच में आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज के आने की संभावना भी बनने वाली है। और इस हफ्ते की समयावधि में द्वादशेश का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसे में इस समयावधि में यदि आप किसी प्रकार का कार्य विदेशों से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, द्वितीय भाव पर देव गुरु के साथ बनी हुई मंगल की अवस्था और आपके राशि के धन भाव के स्वामी जो लक्ष्मी नारायण योग बनाकर गोचर कर रहे हैं,
इसकी वजह से पूरे हफ्ते की समयावधि में आपके जीवन में आमदनी के आगमन की संभावना ज्यादा बनने वाली है। दैनिक आय के साधनों में आपको वृद्धि जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। द्वादश घर में राहु की मौजूदगी है तो आर्थिक मामलों में शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी, इन सभी चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कुंडली का चतुर्थ भाव प्रभावी बनने वाला है, ऐसे में जमीन, भूमि लेने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेष राशि वाले जातक काफी ज्यादा उत्सुक हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना मेष राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते की समयावधि में परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए। देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव में विराजित हैं, ऐसे में पारिवारिक जीवन में एक ओर आपका मनोबल और आपका प्रेम भाव काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा, वहीं दूसरी ओर सेकंड हाउस में मंगल की मौजूदगी है तो इस समयावधि में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आपको जरूर मिल सकता है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना है, अन्यथा पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के विखराव की स्थिति बन सकती है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है और संतान पक्ष को लेकर किसी प्रकार की समस्या है उससे भी आपको निजात इस हफ्ते मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 19 तारीख तक पंचम भाव में बुध और शुक्र की जो मौजूदगी बनी हुई है, शुक्र को प्रेम का ही कारक माना जाता है, ऐसे में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक इस समयावधि में घूमने फिरने की योजना प्रबल रूप से बनाते हुए नजर आने वाले हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में ऊर्जा, शक्ति, सकारात्मकता और प्रेम संबंध में आपको भावनात्मक जुड़ाव इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तमेश की अच्छी अवस्था इस हफ्ते की समयावधि में वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको दिलाने वाली है। इस समयावधि में जातकों के जीवन में पिछले समय से चली आ रही वैवाहिक परेशानी जो रिश्तों के मामले में आपको काफी ज्यादा हताश कर रही है उससे आपको निजात मिलने वाली है। कुंडली के द्वादश घर में राहु की मौजूदगी है, ऐसे में पारिवारिक जिम्मेदारियों को यानी वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को यदि आप निभाने से जितना ज्यादा बचते हैं उतना ज्यादा आपको नुकसान और नेगेटिविटी मिल सकती है। ऐसे में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन मेष राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए। इस हफ्ते की समयावधि में सेहत के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपके सेकंड हाउस में देव गुरु के साथ प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, लेकिन वक्री शनि का प्रभाव भी आपकी राशि के अष्टम भाव को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन शनि और मंगल दोनों प्रबल शत्रु हैं और ये दोनों आमने सामने रहेंगे तो इस समयावधि में मौसम परिवर्तन से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उनके प्रति आपको किसी प्रकार से लापरवाही भरा रवैया लेकर नहीं चलना चाहिए। यानी छोटी मोटी समस्या हो तुरंत आपको मेडिकल परीक्षण और चिकित्सकीय उपचार कराने की आवश्यकता रहने वाली है। सेहत को बेहतर रखने के लिए व्यायाम करना, प्राणायाम करना और अपने आप को मानसिक रूप से प्रसन्न रखना मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभकारी रहने वाला है। उपाय की जानकारी अगर आपको दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों इस पूरे हफ्ते की समयावधि में सूर्य देव का विशेष ट्रांजिट होने वाला है, ऐसे में सूर्य की कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा 15 तारीख से पड़ने वाली है। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जलाभिषेक करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। घर के बड़े सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का निरादर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना आपके लिए आपको नुकसान दे सकता है, ऐसे में मन, वचन और कर्म के द्वारा सभी का सम्मान करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।